भारत में इंटरनेट स्पीड का सच जग जाई है। इंटरनेट की सुस्त स्पीड से सभी दुखी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने वाले इंटरनेट स्पीड जानकर आप दंग हो सकते हैं। आपको बता दें, भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की औसतम इंटरनेट स्पीड 2 Mbps के करीब है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में इंटरनेट की स्पीड 34 Mbps यानी कि मेगाबाइट प्रति सेकंड है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की इंटरनेट स्पीड का खुलासा RTI के तहत मांगी गई जानकारी द्वारा किया गया है। onlinerti.com के सह संस्थापक विनोद रंगनाथन की ओर से RTI कानून के तहत सूचना मंगाई गई थी कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के इंटरनेट स्पीड कितना मिलता है। आपको बता दें, इसके जवाब में बताया गया कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि INC PMO कार्यालय को 34 Mbps स्पीड मुहैया करवाता है, जो देश में दी जा रही औसतम 14 Mbps की स्पीड की 2 गुना से भी ज्यादा है। आपको बता दें, विनोद रंगनाथन का कहना है कि यह बात में कोई बुराई नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 34 Mbps इंटरनेट स्पीड मुहैया करवाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। लेकिन आपको एक और बात बता दें, गूगल फाइबर के जरिए अमेरिका में आम नागरिकों को 1 Gbps यानी कि गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड मिलती है। भारत के ही कोची के एक गांव को 1 Gbps कनेक्टिविटी दी जा रही है, जो PMO से 30 गुना ज्यादा है। वहीं आपको बता दें, इंटरनेट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ACMI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में 115वें स्थान पर आता है, जबकि दक्षिण कोरिया 24.6 Mbps इंटरनेट स्पीड के साथ सबसे आगे है। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें। धन्यवाद।